अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ राशिद महमूद। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है जो हमें मैथमेटिकली दिया जाता है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। अब देखें कि सबसे पहले मैंने आपको पहले भी पिछले अपने लेक्चर्स में बताया है कि सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए तो उसको आप सबसे पहले एनालिसिस करें। अब हमने ये फार्मूला दिया हुआ है, हमने इसको पहले सबसे पहले एनालिसिस करना है कि हमें बेसिकली कितने वेरिएबल्स चाहिए। हमें बेसिकली इसके अंदर 3 वेरिएबल चाहिए। अब देखें एरिया का, बेस का और परपेंडिकुलर का। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले ये हमने सोर्स फाइल ले ली और इसके अंदर हमने प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हम लिखेंगे सबसे पहले अपनी प्रीपर्सिव डायरेक्टिव हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग। अब हम लिखेंगे अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मेन फंक्शन लिखेंगे और बाद में हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें। हमने कितने वेरिएबल्स लेने हैं, हमने पहले प्रोग्राम के फार्मूले को एनालिसिस किया था, हमें 3 वेरिएबल चाहिए। अब जो 1/2 है तो डेफिनेटली हमारी जो वैल्यू होगी वो फ्लोट में जाएगी। फ्लोट की वैल्यू किस में जाके स्टोर होगी, हमारे एरिया के अंदर। तो सबसे पहले हम फ्लोट का वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट और एरिया का मैंने ले लिया एक वेरिएबल। नेक्स्ट वो 2 वैल्यूज जो हम यूज़र से लेंगे वो इंटीजर वैल्यू लेंगे, तो हम लिख लेते हैं इंटीजर इंट। अब बेस और परपेंडिकुलर, मैंने परपेंड का दे दिया वेरिएबल। चले नेक्स्ट, अब हम करते हैं कि अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सी आउट एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। ये अब सी इन, अब हम बेस वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। अब जो हम यूज़र से दूसरी वैल्यू लेंगे हम परपेंडिकुलर के वेरिएबल में सेव करवाएंगे, तो सी इन परपेंड अब हम यहाँ पे अपना एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखेंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 की हमारे पास नॉर्मली जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंड। अब जो हमारा रिजल्ट है वो इस वक्त एरिया के वेरिएबल के अंदर है। चले अब हम इसको शो करवाते हैं। सी आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एंगल ब्रैकेट और एरिया। चले हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। ये देखें अब यहाँ पे ये हमारे पास बेस की वैल्यू रिक्वायर्ड करें, हमने सपोज करें लिख दी 5 और ये परपेंडिकुलर की सपोज करें हमने लिख दी 3। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये देखिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमारे सामने आ गई। अच्छा, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ। किसी दोस्त को, किसी भाई को अगर
कोई भी MCS के प्रोजेक्ट में या किसी भी कंप्यूटर SRS के हवाले से किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया है, वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो हमारी आसानी से मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।